ज्योतिष शास्त्र में चंद्रग्रहण व सूर्य ग्रहण दोनों खगोलीय घटना का धर्म व ज्योतिषी में विशेष महत्व है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूँ। साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। 28 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2023 का दूसरा व अंतिम चंद्रग्रहण भारतवर्ष में पड़ने जा रहा है। इस चंद्रग्रहण का जहाँ कुछ राशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कुछ पर मध्यम प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ के लिए यह चंद्रग्रहण निष्ठकारी है। हर कार्यों में बाधा देगा, रुकावटें देगा, विघ्न देगा, नई योजनाओं को सफल नहीं होने देगा, आर्थिक तंगी देगा, मानसिक तनाव देगा और स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव देगा। 2023 का दूसरा व वर्ष का अंतिम चंद्रग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को शनिवार को मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। यह मध्य रात्रि उपरांत 1:05 से लगेगा व 2:24 तक रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 16 मिनट रहेगी। चूंकि यह भारतवर्ष में दिखाई देगा तो सूतक मान्य होगा, साथ ही इस चंद्र ग्रहण का जातकों पर प्रभाव गहरा पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 4 मुख्य राशियां हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का बहुत ही गलत प्रभाव पड़ने जा रहा है। देखिए, चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो कुछ राशियों को तो मालामाल कर देता है, परंतु कुछ के लिए निष्ठकारी रहता है। आज उन्हीं 4 राशियों के बारे में बताऊंगा कि वह 4 राशियां कौन सी हैं। पहली राशि है मेष, दूसरी राशि है कर्क, तीसरी राशि है वृश्चिक और चौथी राशि है मीन। इन 4 राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी बरतनी है और यह चंद्र ग्रहण इनके लिए निष्ठकारी रहेगा। कार्यों में बाधा, विघ्न, रुकावटें देगा, स्वास्थ्य पर बहुत ही गंदा प्रभाव देगा, नौकरी व्यवसाय में अवनीति देगा। उम्मीद करता हूँ बताई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने संपर्क सूत्र दिया है, आप छोटा सा शुल्क अदा कर यह सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ईश्वर की असीम कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अपना बड़ा कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इजाज़त चाहूँगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।